कहावत है जाको राखे साया मार सके ना कोई, यानी ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। कुछ ऐसा ही एक चमत्कार एमवाई अस्पताल में देखने को मिला, जहां डॉक्टरों ने मौत के मुंह में से 3 साल की बच्ची को बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, खेलते खेलते 3 साल की बच्ची ने एक बड़ी कील निकल दी थी और कील उसकी सांस की नली में फंस गई थी, जिसे 10 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर बाहर निकाला। मामला झाबुआ जिले का है। यहाँ से 3 साल की बच्ची को परिजन एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बच्चा लगातार कमजोर और सर्दी खांसी से पीड़ित था। ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने जब उसका सीटी स्कैन करवाया तो जान देखकर हैरान हो गए। बच्चे की सांस नली में एक बड़ी कील फंसी हुई थी। ये बात बच्चे और उसके परिजनों को भी नहीं पता थी। 10 डॉक्टरों की टीम ने दुर्लभ सर्जरी कर बच्चे को बचाया। ये 3 साल का बच्चा था जिसकी सांस की नली में, बाई सांस की नली में करीब 2 से 3 महीने से कील लटकी हुई थी। उसको पता ही नहीं था, माँ बाप को भी नहीं आइडिया था कि ऐसा कुछ है। बच्चे के वजन में लगातार कमी आ रही थी और बच्चे को बार बार सांस की तकलीफ और सर्दी खांसी बुखार बना हुआ रह रहा था। जब वो हमारे पास आया झाबुआ जिले से बच्चा, तब हमने उसका सीटी स्कैन कराया तो उसमें कील दिखी और साथ में ही बायां फेफड़ा पूरी तरह चिपक चुका था और दाएं फेफड़े में भी पस की गटान थी। इसको दूरबीन पद्धति से हमने निकाला है और पूरी जंग लगी हुई बड़ी कील थी जिसको हमने निकाला है। उसके बाद बच्चे को आराम हुआ है, फेफड़े में भी इन्फेक्शन में काफ़ी कमी आई है। डॉक्टर यामिनी गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड ENT MJ मेडिकल कॉलेज, इंदौर।